अपने देश में भी तैयार हो गया है और वो अभी जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोग के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इसी बीच देश भर में अलग अलग हिस्से में ड्राई रन किया जा चुका है, यानी कि वही सिचुएशन क्रिएट किया गया, वही कार्यक्रम किया गया जो कोरोना वैक्सीनेशन के दिन होगा। तो पूरी प्रक्रिया चल रही है और तैयारियां भी जोरों पर है। इसी बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और अब सिर्फ वैक्सीनेशन की बारी है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, उनके ऊपर उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। 50 साल के ज़्यादा से जो उम्र के लोग होंगे उन्हें भी सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाएगा। तो प्राथमिकता अभी से तय की जा चुकी है। बिहार सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वैक्सीनेशन के दिन टाइम लैप्स बिल्कुल ना हो। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। कोरोना वैक्सीन को अपने देश में भी तैयार हो गया है और वो अभी जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोग के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में और ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों, तो हैं ही सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को और उसके अलावा जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जो बात है 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरे उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले लोग उसके लिए जितना भी जरूरत होगी और कहाँ कैसे उसको रखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार लिया जाए ले जाया जाएगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, वो तो पूरे देश में होगा बहुत अच्छे ढंग से, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही योगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को। लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे हैं, बोल रहे नहीं लेंगे। आप देखिए भाई कौन क्या बोलता है, हम तो उसमें कोई, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो ही सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे, हमको उसके बारे में किसी को बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे बड़ी बात है ये ऐसी चीज है जिसका असर पूरे दुनिया में है। अब दूसरे राउंड का भी शुरू हुआ है, आप सबको मालूम है इंग्लैंड में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना है और इसके लिए जो भी तैयारी है और उस तैयारी के हिसाब से हर लोगों को हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करें। जनता दरबार फिर लगाएंगे क्या? जनता दरबार मैं सब लगा रहा हूं, क्या लगाएंगे, खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए। क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को किसी की करना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है।